नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड डेटा विजुलाइजेशन। तो दोस्तों, ये हमारी टैबलू की पेन ड्राइव सीरीज है और इस पेन ड्राइव सीरीज में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं डेटा कनेक्शंस की। तो लास्ट वीडियोज में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम यूज करते हैं टैबलू को और टैबलू के जरिए हम कैसे कोई डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं एंड उसको शेयर एंड एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब बात करेंगे डेटा कनेक्टिविटी की। जैसे कि टैबलू आप ओपन करते हैं तो टैबलू की कोई अपनी डेटा होती नहीं है, किसी अदर डेटा सोर्सेज को कनेक्ट करती है और कनेक्ट करने के बाद उस पर हम रिपोर्ट बनाते हैं। तो टैबलू की डेटा हम दो तरह से कनेक्ट करते हैं, टू फाइल एंड टू सर्वर। तो ये टू फाइल का लिस्ट जो मोस्ट यूज लिस्ट है, एक्सेल है, टैक्स है, जेसन है, एक्सेस है, पीडीएफ है, आपका स्पेक्ट्राइल फाइल है, स्टेटिकल्स फाइल्स है, ऐसे आप मोर पे क्लिक करते हैं तो कोई फाइल जो कि इतने सारे एक्सटेंशन दिख रहा है, ये सारे एक्सटेंशन को एक्सेप्ट करती है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे एक्सटेंशन जो आपको यहां दिख रहा है, तो बहुत सारे टाइप ऑफ द फाइल को एक लेती है। उसके बाद आता है टैबलू सर्वर। तो टैबलू की खुद की सर्वर है या गूगल सीट, गूगल सीट को आप ले सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स को ले सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स से डेटा ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर से डेटा ले सकते हैं। इसके अलावा हंड्रेड ऑफ डेटाबेसेज एंड डेटाबेसेज सर्वर्स है जिसको आप टैबलू के साथ लिंक कर सकते हैं, जिसमें टैबलू के अंदर उसका डेटा आ सकता है। जैसे आपको दिख रहा है अमेजॉन, अमेजॉन जूरे, अमेजॉन ईएमआई, हडूप फाइल, अमेजॉन रेड शिफ्ट, ये सारे आपको दिख रहा होगा, ड्रॉप बॉक्स, एक्सासोल, गूगल एनालिटिक्स, गूगल बिग क्यूरी, गूगल क्लाउड क्यूरी, एसक्यूएल, गूगल शीट्स, आईबीएम की जो डेटा सोर्सेज है, ये डेटा सोर्सेज को आप यहाँ पे लिख कर सकते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि ये डेटा सोर्सेज आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई से ज्यादा है। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई से ही ज्यादा इसमें डेटा आ सकता है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे डेटा? तो यहाँ पे आप जो है, जैसे मान लीजिए मैं एक्सेल से डेटा लेना है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करता हूं और यहां से जो डेटा चाहिए उस डेटा को हमने सिलेक्ट किया एंड ओपन किया। थोड़ा सा टाइम लेता है। अब इसमें इसने ये नहीं पूछा कौन सी से डेटा लेना है, डिफॉल्ट उसने जो डेटा को देखा और डेटा शीट यहां दे दिया, क्योंकि इस डेटा में एक ही शीट था इसलिए इसने एक ही शीट को कंसीडर किया। अगर इसमें डेटा में कई सारे शीट्स में डेटा होते, मतलब शीट्स तो कई सारे थे बट डेटा किसी एक ही शीट में था, तो कई एक ही शीट, कई सारे शीट्स यहाँ पे आपको शो कर देता। और एमएस एक्सेल की तरह, एक्सेल की तरह ही सॉरी पावर बीआई की तरह ही आप यहाँ पे कई सारे शीट्स का डेटा इंपोर्ट करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डेटा इंपोर्ट आएगा तो दो फॉर्मेट में आएगा, एक होगा लाइव और दूसरा होगा एक्सट्रैक्ट। और इसके नाम से पता चलता है लाइव मतलब कि आपकी फाइल से कनेक्टेड है, फाइल में चेंजिंग हुआ तो यहां भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। दूसरा एक्सट्रैक्ट मतलब कि वहां कॉपी कर लेना, लेकिन जैसे आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे आपसे सेव करने के लिए पूछेगा तो सेव करना पड़ेगा। तो लाइव और एक्सट्रैक्ट होता है, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो हमने डेटा कनेक्ट करने के लिए क्या किया, मान लीजिए मुझे डेटा इसमें जो है नहीं चाहिए, डेटा कनेक्शन नहीं चाहिए, तो यहां पे आप रिफ्रेश कर सकते हैं, मुझे कोई और डेटा कनेक्ट करना है तो यहां पे आप क्लिक कर सकते हैं न्यू डेटा सोर्स। तो न्यू डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहां पे और भी डेटा आ सकते हैं, जैसे कि मैं अगर मैं दूसरी फाइल से कनेक्ट करना चाहूं एक्सेल फाइल, तो मैं इसको यहां पे लेता हूं और यहां पे दूसरी एक्सेल फाइल जैसे डेटा भी है, मैंने इसी को ले लिया एंड ओपन किया। तो डेटा बी में कई सारे शीट्स पे डेटा थे, तो यहां पे देखिए कई सारे शीट्स का डेटा यहां पे आपको शो कर रहा है। लेकिन इसमें से डेटा यहां पे दूसरे आपको कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको ड्रैग नहीं किया। जैसे क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो इसका डेटा यहां आएगा। तो
आपको जो पावर बीआई में मैंने सिलेक्ट करते थे और मेरा डेटा दिख जाता था, यहाँ पे वैसा डेटा नहीं दिखेगा, आपको क्लिक करके इसको ड्रैग करना पड़ेगा। जब इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इसके अंदर डेटा आपको दिखेगा। अब यहाँ भी है कि आप यहाँ पे डेटा भी दिख रहा है, अब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एम डेटा, तो यहाँ पे आपका एम डेटा आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से डेटा बेस को स्विच कर सकते हैं, अगर मल्टीपल डेटा को आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से किसी भी डेटा को न्यू सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, आप टू फाइल एंड टू सर्वर। फाइल में भी बहुत सारे टाइप ऑफ द लिस्ट हैं और आपके सर्वर में भी बहुत सारे हंड्रेड से भी ऊपर सर्वर लिस्ट है जिससे डेटा को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये डेटा कनेक्टिविटी थी। आगे की वीडियोज में हम बताएंगे वन बाय वन कि एक्सेल से, टेक्स्ट से, जेएसएन से कैसे कैसे फाइलों को हम कनेक्ट करते हैं, आगे क्लासेस में हम आपको सिखाएंगे। अभी आपने बताया कि किस तरीके से हम अपने डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं टैबलू के अंदर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और हमारी जो पेन ड्राइव है उस पेन ड्राइव को आप परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट iptindia.com पे, और मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।